कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में मेरा एक कलीग बार बार अपना बजता हुआ फोन काट रहा था। ऐसा उठा लो, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट हो, सो यू मस्ट पिक इट अप। He said, "Nana, ma'am, it's nothing important. My mom is calling." और वो मेरे साथ ही रहती हैं, लेकिन फिर भी बार बार, "Ma'am, I'm sorry, अब दोबारा फोन नहीं आएगा." I said, "No, I'm sorry. मैंने सुना नहीं वो कहाँ रहती हैं?" He said, "Ma'am, वो मेरे साथ रहती हैं. Actually, ma'am, आपसे क्या छुपाना? बड़ा भाई उनको रखता नहीं, तो वो मेरे साथ ही रहती हैं." I said, "Excuse me, I want to correct you here. वो आपके साथ कैसे रह सकती हैं? आप यूं कहिए कि मैं उनके साथ रहता हूँ." दोस्तों, मेरे बार बार पूछने पर भी उसको मेरी बात समझ नहीं आई कि आखिर उसने गलत क्या कह दिया। वो तो अपने आप को बहुत फरमाबरदार समझ रहा था ना कि उसने अपने माँ बाप को अपने साथ रखा हुआ है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, कि क्या हमारी हैसियत है, क्या हमारी औकात भी है ये कहने की कि हमने अपने माँ बाप को अपने साथ में रखा हुआ है। बल्कि हमें हमेशा ये कहना चाहिए कि हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं। दोस्तों, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इस पे तो कोई डिबेट है ही नहीं। हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता ने ही हमको पाला पोसा, बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि आज हम कमा रहे हैं। लेकिन आज जब हम कमाने लगे हैं तो हम ये कहने लगे हैं कि वो हमारे साथ रहते हैं। आप याद कीजिए, कभी मजाक में भी अगर हमारे माता पिता हमें करेक्ट करने के लिए ये कह देते थे ना, आपको हॉस्टल में डाल देंगे, तो हम डर जाते थे और रो रो के कहने लगते थे, "नहीं मम्मी पापा, मुझे आपके पास रहना है, हॉस्टल मत भेजना." तब तो हमने कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास रहो, मुझे हॉस्टल नहीं जाना, आप मेरे पास रहो। तो आज हम ये सब क्यों कहने लगे हैं कि वो मेरे पास रहते हैं? कभी भी एहसान मत जताइएगा। यहाँ मुझे अपने पिता की कही चंद पंक्तियां याद आती हैं कि माँ बाप की सेवा करना फर्ज है, एहसान नहीं, कर्ज है उनका तेरे जिम्मे, कोई भिक्षा या कोई दान नहीं। और हाँ, एक जरूरी बात, कभी भी आपके मोबाइल फोन पे कॉलर आईडी ये दो नाम दिखाए ना, मम्मी कॉलिंग, पापा कॉलिंग, तो प्लीज फोन एक बेल में उठा लीजिएगा, क्योंकि इस कॉलर आईडी से हमेशा फोन नहीं आएंगे। तो जब तक आ रहे हैं, अटेंड कीजिए, संभाल लीजिए।